अब प्रो कबड्डी सीजन 8 का ऑक्शन होने में महज 5 दिन का समय बाकी रह गया है। तो और अब हमारे पास बहुत सारे अपडेट आते जा रहे हैं पीकेएल की तरफ से, तो उन सभी के ऊपर मैं आपके लिए डेली ही वीडियो लाते जा रहा हूँ। अगर आगे भी आप लोग कबड्डी के जुड़ी हुई हर एक अपडेट जानना चाहते तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इस टाइप के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते जाए। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 50 के सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमें 50 के सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए। तो चलिए आइए बात करते हैं अभी जो पीकेएल की तरफ से बहुत सारे रूल सामने निकल कर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही, तो अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना रहेगा अगर आप लोगों को सारे रूल को, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जाकर वो सभी डिटेल को पढ़ सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा आखिर आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा वो सभी रूल। तो चलिए आइए देख लेते हैं एक एक करके आखिर क्या है पीकेएल तरफ से इस बार रूल। जैसा कि आप सभी लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि इस साल पीकेएल हमें 29 से लेकर 31 तारीख तक देखने के लिए मिलेगा और साथ ही में इस बार टोटल 12 टीमें होने वाली हैं प्रो कबड्डी में और इस साल ऑक्शन में टोटल 450 प्लेयर पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 450 प्लेयर के लगभग में है जहाँ तक खबर निकल कर आ रही। और इस बार जो ऑक्शन होगा वो ऑक्शन केवल जो 30 तारीख को जो ऑक्शन होगा, जो यानी कि 30 अगस्त को जो ऑक्शन होगा, केवल वही लाइव दिखाया जाएगा और वो हॉट स्टार और साथ ही पर स्टार स्पोर्ट पर हमें देखने के लिए मिलेगा लाइव। और यहीं पे बात करें आखिर हर एक टीम कितने प्लेयर को रिटेन कर सकती है, मतलब कि कितने प्लेयर को अपने टीम में रख सकती है, तो टोटल हर एक टीम कम से कम 18 प्लेयर को अपने टीम में रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम आपके टीम में 18 प्लेयर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके टीम में 25 प्लेयर होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको 25 प्लेयर रखना ही पड़ेगा आपको अपने टीम में। और यहीं पे बात करें आखिर ओवरसीज प्लेयर यानी कि विदेशी खिलाड़ी आप लोग कितने रख सकते हैं, तो कम से कम 2 प्लेयर को हर एक टीम को रखना पड़ेगा विदेशी खिलाड़ी को। जी हाँ दोस्तों, 2 प्लेयर तो आप लोगों को पक्का रखना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि कम से कम 18 से लेकर 25 तक हर एक टीम में प्लेयर को रख सकती है, तो उसमें आपको कम से कम उसी लिस्ट में आपको 2 विदेशी प्लेयर को रखना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 4 प्लेयर को रख सकते हैं विदेशी, यानी कि आप 2, 3 और 4 बस इतना ही प्लेयर को आप लोग अपने टीम में रख सकते हैं विदेशी। तो चलिए ये नजर डाल लेते हैं अगले रूल की ओर। उससे पहले आप लोगों में से जिन जिन बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगले रूल की ओर। तो अगली रूल निकल कर आ रही है, इस साल हर एक टीमों का पर्स 4.4 करोड़ होने वाला है, इसी में आपको प्लेयर को भी रिटेन करना है। जैसा कि आपको पता है कि हर एक टीमों ने अपने अपने प्लेयर को रिटेन कर लिया, यानी कि 4.4 जो करोड़ रुपये थे उसी पर्स में आपको प्लेयर को भी रिटेन करना था। तो जितने जितने टीमों ने अपने अपने प्लेयर को रिटेन कर लिया है तो उतना उनका पैसा कम हो जाएगा, तो अब जितना भी पैसा बचा है वो सभी पैसा लेकर जाएंगी सभी टीमें ऑक्शन में। और यहीं पर और एक बहुत बड़ा रूल निकल कर आ रहा है जो पिछले साल भी था, एफबीएम। आप लोग मुझसे पूछते भी थे एफबीएम से क्या होता है, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा आप लोग अगर कमेंट में बोलेंगे, तो ये वीडियो में मैं थोड़ा ऐसे हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर जिसको भी नहीं समझ में आएगा एफबीएम के बारे में तो आप लोग मुझे कमेंट में बोलिएगा, तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो ला दूंगा एफबीएम और साथ ही में और भी कुछ अपडेट रहेंगे उसके ऊपर भी ला दूंगा अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे एफबीएम के बारे में पूरा एक्सप्लेन में। तो मैं आपको बता दूं एफबीएम होता है फाइनल बिड मैच। जी हाँ दोस्तों, फाइनल बिड मैच यानी कि जैसे प्रदीप नरवाल का मैं आपको एग्जांपल से बता दे रहा हूँ आखिर एफबीएम क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि हर एक टीमों को आखिर एफबीएम कितना मिलेगी, तो इस सीजन में हर एक टीमों को मतलब कि आप लोग जितने भी प्लेयर को रिटेन करेंगे उसके हिसाब से आपको एफबीएम मिलेगा। अगर आप लोग टोटल 6 प्लेयर या फिर 6 से ज़्यादा कोई भी टीम अगर रिटेन कर लेती है अपने टीम में प्लेयर को, तो उसको एक भी एफबीएम नहीं मिलेगा। और यहीं पर अगर कोई टीमें 5 प्लेयर को रिटेन करती है तो उन्हें एक एफबीएम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उन्हें एक एफबीएम मिलेगा। और यहीं पर अगर कोई टीमें रिटेन करती है 4 प्लेयर यानी कि 5 प्लेयर से कम और 4 प्लेयर करती है रिटेन, तो उसे 2 एफबीएम मिलेगा। तो अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे आखिर कौन कौन से टीम के पास कितने एफबीएम बचे हुए इस बार पीकेएल में, तो आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो ला दूंगा आपके लिए। और जैसा कि आपको पता है कि पटना ने टोटल 5 प्लेयर को रिटेन कर लिया, तो इसका मतलब कि इस बार पटना के पास केवल एक एफबीएम बचा हुआ है, यानी कि एक एफबीएम की मदद से एक प्लेयर को पटना अपने टीम में ले सकते हैं। जैसे कि प्रदीप नवाल को अगर कोई भी टीम अगला टीम अगर बाई कर लेती है लास्ट फाइनल अगर फाइनल बिड, यानी कि एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, जैसे पुनेरी पल्टन ने फाइनली मतलब बाई कर लिया प्रदीप नवाल को, तो उसके बाद जो ऑक्शन करवाते हैं उसके बाद फिर वो पटना से पूछेंगे कि आप लोग एफबीएम का यूज करना चाहते हैं पटना से, तो अगर पटना हाँ बोलती है तो जितना पैसा में जयपुर ने अपने टीम में हासिल किया था प्रदीप नवाल को, उतना ही पैसा में फिर से पटना ले लेगी उस प्लेयर को अपने टीम में। तो इसी के ऐसा ही यूज होता है एफबीएम का। अगर अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया कि एफबीएम क्या होता है कैसे यूज होता है, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट भी वीडियो ला दूंगा, मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता दिया एफबीएम क्या होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके लिए डेली ही इस टाइप की वीडियोज लाते रहता हूँ।